सोनीपत के नहरी समेत अन्य गांवों के लोगों ने कुंडली स्थित 132 केवीए सब स्टेशन पर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली निगम के मीटर रीडर ने घर बैठे ही मीटरों की रीडिंग कर दी, जिससे उपभोक्ताओं को 30 से 40,000 रुपए का बिल भेजा गया है। जब मीटर रीडर से पूछताछ की गई तो उसने कोरोना का बहाना बना दिया। वहीं एसडीओ सतीश गोयत ने इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गाँव में लॉकडाउन की वजह से मीटर रीडिंग करने वाला कोई नहीं आया। ग्रामीणों ने बार बार बिजली निगम के कार्यालय में भी संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अब ग्रामीणों के हाथों में जब बिल आए तो वो हैरान रह गए। एक एक उपभोक्ता को 30 से 40,000 रुपए तक का बिल भेजा गया है। आज हम जो गांव में मेन समस्या जो बिजली की है, एक तो ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा है, सारे ट्रांसफार्मर और लोड हैं, लाइनें हैं वो हर 10 मिनट में ट्रिप कर जाती हैं, पीछे से पूरा लोड नहीं मिल पाता, और जो बिजली के बिल हैं वो भी अपने मन मुताबिक बगैर रीडिंग के भेज दिए जाते हैं, जिससे लोगों को यहाँ पे आने के आगे ठीक कराने पड़ रहे हैं। लोगों को प्रॉपर रीडिंग नहीं हो पा रही। उस बारे में आज हम एसडीओ साहब से मिले थे, उन्होंने हमारी समस्या को लिख लिया है और जी साहब की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई, घर पे जाए, हर घर में जाके जिसकी भी कंप्लेंट है रीडिंग को ठीक करके, बिल ठीक करके हमें आश्वासन दिया है भिजवाए जाएँ। और एक समस्या हमारे लिए जो सबसे बड़ी है वो ओवरलोड ट्रांसफार्मर होगी है, जिससे कि हमारे को शेड्यूल की लाइट भी नहीं मिल पाती है, और फीडर भी हमारा 130-135 लोड है, जबकि 150-200 की कैपेसिटी उसकी, लेकिन वो 130 भी लोड नहीं ले पाता, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो सरकार से क्या गुजारिश करते हैं? जैसे सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द प्योरिटी में लेके हमारे गाँव को जगमग योजना में शामिल किया जाए, और हर घर में जैसे इनकी नीति है सरकार की जगमग योजना के तहत 24 घंटे लाइट देने की, उसने जगमग योजना में हमारे को शामिल किया जाए और हमें भी इसका लाभ दिलवाया। वहीं एसडीओ सतीश गोयत ने कहा कि वो इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। उन्होंने नाहरी गांव में दोबारा से रीडिंग कराने के भी आदेश दिए हैं और अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है और जल्दी लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उनमें मैक्सिमम की लगभग 10-12 उनमें से ऐसे लोग थे, किसी की सप्लाई की कोई दिक्कत थी, किसी की बिलिंग की, जो रीडिंग थी रीडिंग के लिए जेई को डेपुट कर दिया है, जिनकी आज 10 एप्लीकेशन आई है, वो कल शाम तक उनको वेरीफाई करके दे देगा और साथ ही साथ रिवाइज बिल बन जाएंगे उनके। ठीक ठीक सर, कोरोना काल के वक्त जो है काफ़ी दिक्कत आ रही थी, लोगों ने उम्मीद जताई है कि बिजली विभाग को तो उनको डिबिट दे, उसके लिए डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते हुए पीछे के जो सरचार्ज थे वो माफ़ करके वो 15 जून थी शायद उसकी वो डेट फिक्स कर दी थी, उस डेट तक बिल जमा करवा, कुछ टाइम था उस टाइम का बिल माफ़ सरचार्ज माफ़ कर दिया। सर, कोरोना काल की वजह से ऑफिस में काफ़ी भीड़ देखने को मिली है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दी, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई समाधान कर रहे हैं ताकि 1-2-1 बंदा आए, लेकिन वो है ना डेलीगेशन थे गांव से एक दो, उनसे भी हमने कोशिश की, आगे दिक्कत नहीं रहेगी। सर, मास्क भी नहीं होता लोगों के चेहरे पे, उसके लिए हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि मास्क लगा के आएंगे, हम एक बंदे की गेट पे ड्यूटी लगा रहे हैं कि बगैर मास्क के कोई भी बंदा एंट्री नहीं करेगा हमारे। कोरोना काल में है सर, आपके डिपार्टमेंट को भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, दिल्ली के नज़दीक है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका भी हम ध्यान रख रहे हैं, डिस्टेंसिंग का ध्यान हम रख रहे हैं, और फिर भी अगर कोई त्रुटि है तो उसको दूर कर रहे हैं टाइम। बता दें कि मीटर रीडर की लापरवाही की वजह से सैकड़ों ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे में देखना ये होगा कि बिजली विभाग इस मामले में कार्रवाई कर पीड़ित बिजली उपभोक्ताओं को कितनी राहत प्रदान करता है। सोनीपत से पवन सिंह की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।